अलमेकम एंड वेलकम बैक आज हम जो है वो अपना इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे जिसमें हमने मल्टीपल आई वी इंजेक्शनस की बात की है और मल्टीपल डोजिंग रजीम में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट लिए हैं आई वी इंजेक्शन्स एंड मल्टीपल डोजिंग रजीम इस टॉपिक को हम लोग जो है उससे पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जिसमें हमने कुछ वैल्यूज़ को हमने सीखा है कि किस तरह से हम प्लाज्मा कंसनट्रेशन को फाइंड करेंगे डिफरेंस कहाँ से आएगा इसमें हमने स्टार्ट लिया था सिंगल इंजेक्शन से जिसमें हमने बोला था सी पी इज़ इक्ल टू सी पी नॉट ई के टी फिर हमने इसको मॉडिफाई कर दिया इसमें हमने मल्टीप्लाई किया दो स्रेषों को जब हम दो स्रेषों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यही इक्वेशन जो है वो सी पी नाट वन माइनस एन के टा ओवर वन माइनस के टा ई माइनस के टी ये कल लास्ट क्लास में हमने काफ़ी डिटेल से इस पर बात की थी कि इसमें जो टी है वो टाइम है और जो टा है वो डोज इंटरवल है एन जो है वो नंबर ऑफ डोजेज़ है के एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट है और सी पी नाट प्लाज्मा कंसनट्रेशन है सी पी प्लाज्मा कंसनट्रेशन है और फिर हमने इसको एक और फार्मूला से भी राइट किया जिसमें हमने सी पी नाट को एक्स नाट ओवर वी डी में डिवाइड किया और वन माइनस एन के टा ओवर वन माइनस के टा ई माइनस के टी ये हमने एक और फार्मूला भी देखा मल्टीपल आई वी इंजेक्शन की फॉर्म में रिमेंबर ये तब ये फार्मूलाज ठीक हैं जब हमारे पास चार किस्म की ऑजम्पशंस हैं एक आजम्पन हमारे पास ये है कि ड्रग जो है वन कंपार्टमेंट को फॉलो करेगी दूसरा ये है कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म नहीं है तीसरा ये कि ड्रग जो है वो कर, उसकी क्लियरेंस जो है वो रीनल क्लियरेंस से है और काइनेटिक्स में ये फर्स्ट आर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है तभी हमारी सारी बातें ठीक होगी इससे आगे फिर मैंने मूव किया था कि इसी से हम सी मैक्स और सी मिनिमम को भी कैलकुलेट करेंगे आज की क्लास में हमने यह देखना है कि सी पी एस एस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है सी पी एस एस हमारे पास स्टीडी स्टेट कंसलट्रेशन स्टीडी स्टेट मीन्स द कंसलट्रेशन विच इज इन विच द एलिमिनेशन एंड द ऑब्जॉप रेट बिकम्स इक्वल द कंसलट्रेशन इन बिटवीन द थरापूटिक रेंज द कंसलट्रेशन विच इज रिमेंड विद इन द रिक्वायर्ड लेवल लेवल, वी विल से दीज आर दी पी एस सी पी एस के हवाले से हमने थोड़ा सा इसी फार्मूला को हमने चेंज करना है इसमें हमने जो एन है एन वैल्यू है इसमें हम प्ले करेंगे बिकॉज़ हम ये अज्यूम करेंगे कि नंबर ऑफ डोजेज़ जो हमारे पास हैं वो हमें नहीं आईडिया के कब जाके सी अचीव हुआ है मैंने आप लोगों को इसमें बताया था कि सी अगर करेंगे तो ये बिल्कुल फार्मूला ऊपर वाला हो जाएगा क्योंकि एन की वैल्यू वन राइट करने से ये दोनों कैंसिल होंगे और सी बी इज इक्वल टू सी बी नॉट ई माइनस के एट हो जाएगा अगर एन की वैल्यू मैं टू राइट कर देता हूँ तो यही फार्मूला में वन माइनस ई माइनस टू के एट के साथ आएगा थ्री के साथ फोर के साथ फाइव जैसे जैसे मैं डोज की बात करूँगा डोज वन डोज सी डोज फोर उसी तरह से मैं एन वैल्यू को भी चेंज करता जाऊँगा यहाँ मैंने ये बोला है कि एन जो है हमारा इन्फिनी है हमें आइडिया नहीं है कि किस वक्त जो है वो हमारे पास स्टीडी स्टेट जो है वो अचीव हुआ है उसकी स्टीडी स्टेट उसकी कंसल्ट्रेशन एक्चुअल क्या है या नंबर ऑफ डोज क्या है जब मैं सैन को इन्फिनी रखूंगा तो यही जो सी पी है ये मेरे पास बनेगा आप सी पी एस एस वन माइनस सी पी नाट वन माइनस इन्फिनिटी इंटू केटा ओवर वन माइनस केटा ई माइनस के टी रिम्बर एक्सपोनेशियल की पावर या किसी भी एक्सपोनेंट्स की पावर अगर इन्फिनी है तो वो जीरो के इक्वल है और अगर किसी भी एक्सपोनेंट की पावर अगर ज़ीरो है तो वो, वो वन के इक्वल है और अगर उसकी पावर वन है तो वही एक्सपोनेंट है जो कि राइट किया जा रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स पावर वन मीन्स इट्स एक्स वाई पावर वन इट मीन्स वाई एंड वाई पावर ज़ीरो इट इज़ वन एंड वाई पावर इन्फिनिटी और एक्स पावर इन्फिनिटी इज इट इज़ इन ज़ीरो सो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे ज़ीरो सीपी नॉट वन माइनस जीरो ओवर वन माइनस केटा ई माइनस के टी सी पी एस एस ओके सी पी नॉट ओवर वन माइनस केटा ई माइनस के टी सी पी एस एस यहां हमने बहुत सारे फैक्टर सीखने हैं आप लोगों को याद होगा जब मैंने आप लोगों को आईवी इन्फ्यूजन सिखाया था यही टर्म्स ही हमारे पास वन माइनस ई माइनस के टी राइट किया हुआ था और वो जो टी था वो एक्चुअल वो टाइम है जिस टाइम पे आप इन्फ्यूजन को मेजर कर रहे हैं वहाँ पर इन्फ्यूजन रेट का कंसर्न था यहाँ ये जो टा है ये डोज इंटरवल है और अब क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ये के एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट है और इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास पॉइंट सिक्स नाइन थ्री ओवर टी हाफ़ है मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगा इस फार्मूला से हमें क्या चीज़ें जो हम फौरन से अज्यूम कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हमें जो है वो बड़ी क्लियरली समझ आएंगे फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी सी पी नॉट वन माइनस मैं के बजाय राइट कर रहा हूं पॉइंट सिक्स नाइन थ्री ओवर टी हाफ इन टू टा ई माइनस के टी ओके यहां पे हमें कुछ रिलेशंस की बात करनी है फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि टी ओवर टी हाफ इज इक्वल टू कैपिटल एन सो so, CPSS पी इज इक्वल टू सी नॉट ओवर वन माइनस पॉइंट सिक्स नाइन थ्री इंटू कैपिटल एन ई माइनस हम इस तरह से भी हम सी पी को कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए हमारे पास एक रेशियो हमने डिसाइड किया है टी और जो हमारे पास जो यहाँ पर डोज इंटरवल और टी हाफ रिमेमर इसका रिलेशन है बहुत करीबी रिलेशन है सी पी एस एस को समझने के लिए प्लाज्मा कंसल्ट्रेशन को समझने के लिए हमें सी पी एस एस यानी सी पी नॉट सी पी एस एस हो सकता है या सी पी जब सी पी एस एस हो सकता है कब जब हम इस एन को अंडरस्टैंड कर जाएँ एन मीन्स हम उस रेशो को हम उस रिलेशन को अंडरस्टेंड कर जाएँ जो <coughs> सॉरी जो डोज इंटरवल और हाफ़ लाइफ का है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस रिलेशन की बात करता हूँ डोज इंटरवल और हाफ लाइफ दोनों इक्वल हैं जितना हमने डोज इंटरवल रखा है उतनी ही हाफ़ लाइफ है या जितनी हाफ लाइफ से ड्रग की हमने उतना ही डोज इंटरवल रखा एन की वैल्यू का बन जाएगी जी वन बन जाएगी एन की वैल्यू वन है क्यों क्योंकि मैंने अगर कहा कि डोज इंटरवल टू आर्स हाफ लाइफ भी टू आर्स टू बाय टू इज़ वन डोज इंटरवल टू आर हाफ लाइफ टू आर आंसर इज वन इफ एन इज़ वन अगर एन वन है मैं इसे जब मल्टीप्लाई करूंगा एन को वन से और इस सारे फैक्टर को सॉल्व करूंगा, ये बनेगा पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव वन माइनस पॉइंट फाइव इज इक्वल टू पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव को अगर मुझे और याद रहे कि मैं अगर इसको थोड़ा सा और अच्छा बना लूं और मैंने ये ज्यूम किया सी पी नाट ओवर वन माइनस पॉइंट सिक्स नाइन थ्री इंटू वन इक्वल टू सी पी नाट वन माइनस पॉइंट फाइव इज इक्वल टू सी पी नाट पॉइंट फाइव इंटू ई माइनस के टी विच इज इक्वल टू सी पी एस एस इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे बहुत बेसिक कंसेप्ट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जिसके अंदर हम कर रहे हैं कि हमारे पास सी पी नॉट ओवर पॉइंट फाइव आया है ये पॉइंट फाइव वैल्यू तब आई है जब मैंने दो चीज़ों को इक्वल रखा है किस किस को डोज इंटरवल को और हाफ लाइफ को अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो अब यहां पे मुझे ये पता लगेगा कि ये अगर मैं इसे 0.5 फाइव इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 0.5 फाइव सी पी एस एस इज इक्वल टू सी पी नॉट ई माइनस के टी और रिमेंबर ये सीपी नॉट ई माइनस के टी इज इक्वल टू सी पी पे एक सेंटेंस बनाएंगे हर उस ड्रग की प्लाज्मा कंसल्ट्रेशन जिसकी डोज इंटरवल और हाफ़ लाइफ इक्वल है उसमें जो पहली डोज़ होगी या जो सी पी होगा वो सी पी एस एस का हाफ होगा या यूँ कह लें कि सी पी एस एस को अचीव करने के लिए जितना हमारे पास वैल्यू है उसे अगर हम पॉइंट फाइव से डिवाइड कर दें तो तब हमारे पास सी पी एस एस अचीव हो जाएगा कब जब हमारे पास हमने एक एक चीज अज्यूम किया हुआ है वो है डोज इंटरवल और हाफ लाइफ दोनों सेम ये मैंने आपको पूरा एक टेबल ड्यूरिंग क्लासेस बनवाया था जिसमें हमने इस एन को डिफरेंट फैक्टर्स से देखा था फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एन को यहां पर रख देता हूँ टू अब एन टू का मतलब ये हुआ है कि जितनी हाफ लाइफ थी उससे मैंने डबल डोज इंटरवल रखा हाफ लाइफ टू आवर्स और मैंने डोज रिपीट किया इंजेक्शन का फोर आवर के बाद तो टू बाय फोर फोर बाई टू सॉरी इट्स सो टू तो जब ये एन इज इक्वल टू टू होगा इसे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो फैक्टर आएगा उस फैक्टर को मैं सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो उस सी से मुझे वो फै सी का फैक्टर अचीव हो गया सेम केस में अगर मैं एन इज इकल टू थ्री रखता हूँ एन इज इक्वल टू फोर एन मीन्स इट्स अ रेशो किस किस का रेशो डोज इंटरवल का और हाफ़ लाइफ का जितनी ज़्यादा हाफ़ लाइफ हमारे पास है जितना ज़्यादा हम उसको डोज़ इंटरवल को एक्सटेंड करते चले जाएंगे उतना ही हमारे पास जो हमारे पास जो एन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी एन की वैल्यू जैसे बढ़ती चली जाएगी हम उसे इस सारे फैक्टर को निकाल के उससे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब ये दोनों वन हो जाएंगे वन तब हो सकते हैं जब मैं इस एन को इन्फिनिटी ले लूँ जब मैं इस को इन्फिनिटी ले लूँ एक्सपोनेंशियल पावर इन्फिनिटी देन जीरो आंसर इज वन देन वही सी पी जो है वो सी पी एस एस के इक्वल भी हो सकेगा यानी ये कह लें कि सी CP पी और सी पी एस एस सेम हो सकता है जब हम नंबर ऑफ डोज या जो उसका रिलेशन है उसमें हम इन्फिनीटी को ले आएंगे किस को डोज इंटरवल को और हाफ लाइफ को तो ये हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट स्टीड स्टेट को कंसल्ट्रेशन को कैलकुलेट करने का रिमेंबर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं सी पी एस एस पे बहुत कॉमन जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था हमने इस फार्मूला से इसको स्टार्ट किया इसमें हमारे पास अनिशियल प्लाज्मा कंसलट्रेशन इफेक्ट करता है एलिमिनेशन लाइफ इफेक्ट करता है डोज इंटरवल इफेक्ट करता है टाइम इफेक्ट करता है सी पी को अगर हम सब डिवाइड कर दें अनीशियल डोज एक्स नॉट इफेक्ट करता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट करता है इसमें किसी वे में प्ला आपके पास जो है सी और प्लाज्मा कंसनट्रेशन जो आपके पास जो है वो क्लियरेंस ये इफ़ेक्ट करते हैं ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन तमाम फैक्टर्स पे इफ़ेक्ट करते हैं खासकर कर सी के केस में तो सी को अचीव करने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएँ तो सी को कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत सिंपल हमें सिर्फ वो रेशो ढूंढने की ज़रूरत है या वो रिलेशन ढूंढने की ज़रूरत है जो हाफ़ लाइफ का और डोज़ इंटरवल का है क्योंकि हाफ़ लाइफ हर हाँ ड्रग की कांस्टेंट और अगर हमें डोज इंटरवल बताओ कि इसे कितने टाइम के बाद रिपीट किया जा रहा है से बी है तो ट्वेल्व आवर्स के बाद रिपीट कर रहे हैं और से अगर ट्वेंट ओ डी है तो ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद रिपीट कर रहे हैं और हाफ लाइफ सिक्स आवर है हाफ़ लाइफ सिक्स आवर ट्वेंटी फोर आवर के बाद रिपीट हो रहा अब यहाँ पे सी इट मीन्स के ट्वेंटी फोर आर के बाद रिपीट हो रहा हाफ लाइफ सिक्स और आंसर इज़ फोर जब फोर आंसर आएगा इस यहाँ पे एन इज टू फोर इस सारे को सॉल्व करेंगे एक फैक्टर आएगा हमारे पास उस फैक्टर को हम कहेंगे कि अब ये जो प्लाज्मा में जो हमने उस वक्त कंसल्ट्रेशन मैयर की है उस कंसल्ट्रेशन को उस फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए तब आपके पास क्या आंसर आ जाएगा वो आंसर जो है वो आपका सी पी एस एस के का वो रेशो रिलेशन आ जाएगा कि इतना सी पी एस एस अचीव हो चुका है ये मेरा ख्याल है बहुत सिंपल कंसेप्ट इसमें आप जो है वो इसका पूरे का पूरा टेबल भी कंसेप्ट कर सकते हैं एन की वैल्यू को और उसको आगे एक्सप्लेन करने के लिए हम मूव करते हैं इससे थोड़ा सा और एडवांस कि सी पी एस एस में भी दो टर्म्स हैं एक हमारे पास सी पी एस एस मैक्मम है और एक सी पी एस एस मिनिमम है रिमेंबर अगर हम इसको डायग्रामेटिकली बनाएं तो ये फिर किस फॉर्म में है हम किसके डायग्राम में हम किसकी बात कर रहे हैं उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पहली बात करें जहाँ पर हमने मल्टीपल डोजिंग की बात की है तो ये मल्टीपल डोजिंग है और यहाँ हम बोल रहे हैं कि ये दोनों हमारे पास एक एम ई सी है और एक एम टी सी है मिनिमम इफेक्टिव कंसल्ट्रेशन एंड मिनिमम टॉक्सिक कंसल्ट्रेशन नेक्स्ट डोज नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट सो ये हमारा टारगेट और इसमें इस वाले को हमने बोला है सी पी मैक्स वन मैंने कल की क्लास में समझाया सी पी मिनिमम वन सी पी मैक्स टू सी पी मिनिमम टू ऐसे सी पी मिनिमम मैक्सीम थ्री एंड सी पी मिनिमम थ्री नाउ इट्स सी पी एस एस मैक्मम बिकॉज ये स्टेट की रेंज में आए और ये वाला सी पी एस एस मिनिमम सेम सी पी एस एस मैक्सीम सी पी एस एस मिनिमम तो सी पी एस एस मैक्सिमम और सी पी एस एस मिनिमम हम लोग सी पी एस एस की बात कर चुके जिसमें हमने सी पी एस एस को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फैक्टर को हमने मॉडिफाई किया और उस फैक्टर को हमने बोला डोज ऑफ इंटरवल नंबर ऑफ डोजेज़ और नंबर ऑफ डोजेज को हमने इन्फिटी रखा और उसकी बेस पे हमने ये कैलकुलेट किया कि जब इन्फिनी रख लेंगे तो हमारे पास जो एन वाली सारी टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एन माइनस के टी जो है टा जो है वो हमारे पास जो नॉमिनेटर में था वो जीरो हुआ और फिर आगे हमने सारे को सीखा अब हम चलते हैं सी पी एस एस मैक्मम के लिए हमें क्या करना है रिमेंबर सी पी एस एस मैक्सीम पहले मैं सी पी एस एस का फार्मूला राइट करता हूँ वो था हमारे पास सी पी नाट वन माइनस केटा टा ई माइनस के टी ये मेरे पास सी पी एस एस का फार्मूला है यहाँ पर अब मैं क्योंकि मैंने जब हमने सी पी वन मैक्ममम पढ़ा था सी पी टू मैक्सीम पढ़ा था सी पी थ्री मैक्सीम पढ़ा था वहाँ हमने एक चीज़ को क्लियर किया था कि ये टी जो वैल्यू है वो इक्वल टू ज़ीरो है क्योंकि हमने मल्टीपल डोजिंग के, के केस में हर डोज़ को हम इनिशियल डोज से कंसिडर करते हैं यानी ये हम समझते हैं कि अगर एक एक डोज का टाइम जैसे कम्प्लीट हुआ है फॉर एग्जांपल इस डोज से लेकर इस डोज तक का जो टाइम कम्प्लीट हुआ ये तो टा है लेकिन जब ये नेक्स्ट टा शुरू होगा डोज इंटरवल शुरू होगा तो ये ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है यानी यहाँ पर टाइम जो है वो ज़ीरो हुआ है तो टी जब ज़ीरो हो जाएगा तो ये वाला फैक्टर सारे का सारा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक्सपोनेंट की पावर जब ज़ीरो हो जाएगी वो वन के इक्वल होगा और जब एक्सपोनेंट की पावर इन्फिनी हो जाएगी तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा और एक्सपोनेंट की पावर अगर वन होगी तो वही एक्सपोनेंट राइट किया जाएगा तो यहाँ मैं राइट कर रहा हूँ टी इज़ इक्वल टू जीरो इट मीन्स ये सारा फैक्टर वन होने जा रहा है तो अब ये फॉर्मूला बन जाएगा सी पी एस एस मैक्सिमम इज इक्वल टू सी पी नॉट वन माइनस केटा देखिए इसको मैं तीन चार डिफरेंट तरीके से लिख सकता हूँ सी पी नॉट वन माइनस ई माइनस केटा मैंने राइट किया इसको मैं एक और वे से लिखूंगा ये भी आप लोग एग्री करेंगे कि आप ठीक कह है रहे हैं सी पी नॉट वन माइनस पॉइंट सिक्स नाइन थ्री इंटू एन मेमोरी एन कहाँ से आ गया पॉइंट सिक्स नाइन थ्री ओवर टी हाफ टी हाथ डोज इंटरवल डिवाइडेड बाई टी हाफ इज इक्वल टू एन ओके इसको मैं एक और वे से भी लिख सकता हूँ एक्स नॉट ओवर वी डी इन टू वन माइनस केट एंड सेम एक्स नॉट ओवर वी डी वन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस पॉइंट सिक्स नाइन थ्री इंटू एन मैंने फोर डिफरेंट फार्मूलाज राइट किए हैं सी पी एस एस को फाइंड करने के ये ये फार्मूला सी पी एस एस से छोटा है इसी को क्लियर करेंगे छोटा क्यों आया है क्योंकि ये जो जो अनिशियल इक्वेशन है सी पी की सी पी नॉट वन माइनस एन के टा ओवर वन माइनस के टा ई माइनस के टी ये देखिए इससे छोटी इक्वेशन ये है उससे भी छोटा ये है इस चीज़ को समझेंगे कि ये रिड्यूस हो रहा है प्रोसेस कम होता जा रहे हैं पैरामीटर कैसे पैर पहले पहले कैसे कम हुआ एन को इन्फिनीटी कह दिया इसको एस एस बनाने के लिए ये सारी टर्म गायब हुई फार्मूला से छोटा हो गया नेक्स्ट वाले में क्या किया टी को जीरो राइट कर दिया ये सारी टर्म वन हो गई तो ये उससे भी छोटा होगा अब यहाँ पर रिलेशन बनाना सी पी एस एस का देखिए वही वही वाला सारा सिनेरियो दोबारा रिपीट होने जा रहा है n इज इक्वल टू वन देन एन इज इक्वल टू वन देन ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगी पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइन सी पी एस एस इक्वल टू सी पी नॉट एक और वे में कब जब आपके पास एन क्या है वन है जब आपने उतना ही डोज इंटरवल रख रहे हैं जितना ड्रग की हाफ लाइफ है तो सीपी नॉट ओवर 0.5, 0.5 मल्टीप्लाइड बास एपीएसएस मैक्सिमम सिंपल केस में हमारे पास एपीएसएस मैक्सिमम कैलकुलेट होगा। नाउ मूव करते हैं एपीएसएस मिनिमम की तरफ। एपीएसएस मिनिमम, मिनिमम में याद रखिए कि मिनिमम का मतलब हमने ये बोला था कि मैक्सिमम के केस में तो हमने टी को राइट किया कि टी जीरो, हर डोज पे टी ज लेकिन जहाँ पर हम मैक्सिमम की बात करने जाए मिनिमम की बात करने जाएंगे मैक्सिमम में टी ज़ीरो और मिनिमम में टी इज इक्वल टू टा एक डोज इंटरवल कंप्लीट हुआ तो वो मिनिमम की तरफ चले गए एक डोज इंटरवल कंप्लीट हुआ सी मिनिमम हुआ दूसरा टी जो है ये टा में जब कन्वर्ट हुआ सी मिनिमम हुआ यही टी जो है वो टा डोज इंटरवल में कन्वर्ट हुआ तो फिर मिनिमम 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 इस तरह से हुआ तो अब हम सी मिनिमम को सर्च करने जा रहे हैं तो सी मिनिमम के लिए आपने फार्मूला राइट करेंगे सी पी नॉट वन माइनस केटा ई माइनस के टी को कन्वर्ट कर देंगे सीपी नॉट वन माइनस केटा ई माइनस के टाइम सीपीएसएस मिनिमम यहां पर रिलेशन वैसा ही बनता है यहां इसको भी हम चार डिफरेंट फॉर्मूला फॉर्म में राइट कर सकते कैसे देखिए यहां पर सीपी नॉट वन माइनस पॉइंट सिक्स नाइन थ्री ओवर टी हाफ इंटू टा ई माइनस पॉइंट सिक्स नाइन थ्री ओवर टी हाफ इंटू टा यहाँ देखिए सी पी नाट वन माइनस पॉइंट सिक्स नाइन थ्री इंटू एन ई माइनस पॉइंट सिक्स नाइन थ्री इंटू एन सी पी एस एस मिनिमम तो सी पी एस एस मिनिमम फाइंड करने के लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं देखिए यहाँ पे अगर हम सारे रिलेशन को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो है वो सारा ये सारा रिलेशन अगर अगर एन वन है तो ये सारा पॉइंट फाइव होगा अगर एन वन है तो ये भी पॉइंट फाइव होगा पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव से कैंसिल हो जाएगा तो सी पी एस एस मिनिमम जैसे नॉट इक्वल हो सकता है कब जब आप डोज इंटरवल को एक उसके कॉन्सेंट रखते चले जाएंगे तो टी हाफ के तो यहाँ पर हमारे पास सी पी एस एस मिनिमम को कैलकुलेट करना सी पी एस एस मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो प्रोसेस है जो रिक्वायर्ड है वो आपके पास जो है वो सिंपल जो जो फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं वो इनिशियल प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ डोज इंटरवल वंस अगेन एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, इलिमिनेशन हाफ लाइफ टाइम डोज इंटरवल ए सी पी नॉट को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एक्स नॉट ओवर वी डी नीशल प्लाज्मा डोज एक्स नॉट एंड वी डी ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो सी पी एस एस मिनिमम पे इफेक्ट करते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं एस एवरेज सी पी एस एस एवरेज सी पी एस एस एवरेज के लिए हमारे पास कंसेप्ट इंतहाई इंटरेस्टिंग सी पी एस एस एवरेज इज अ वेरी यूजफुल इन मल्टीपल डोजिंग इज द एवरेज प्लाज्मा कंसल्टेशन एट सी डी स्टेट प्लीज नोट दैट द टर्म एवरेज इन दिस इक्वेशन मार्क्स टू सिग्निफाई दैट इट डज नाट कैरी द यूजल मीन्स मीन्स द रिथमेटिक मीन्स इट्स नॉट एक्चुअली अ मीन ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम मीन्स सी पी सी पी एस एस मैक्मम प्लस सी पी एस एस मिनिमम डिवाइडेड बाई टू दिस इज़ नॉट अ केस सी पी एस एस एवरेज मीन्स हमें जहाँ पर हम रेज्यूम कर रहे हैं कि कंसल्टे एक लेवल में अरिथमेटिक मीन्स आल दो नॉट एंड द अरिथमेटिक एवरेज दिस प्लाज्मा कंसल्टे वैल्यूज विल फॉल बिटवीन द मैक्म एंड मिनिमम स्टेट प्लाज्मा कंसल्ट्रेशन दिस एवरेज कंसल्टे इज द वन डिजायर्ड थेराप्यूटिक कली फॉर पेशेंट ऑन रेगुलर डोज इग्रजीम द पैरामीटर्स कैन बी डिफाइंड एज सी पी एस एस को का जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो एक्स नॉट ओवर वी के टा है एक्स नॉट ओवर वी के टा नंबर एक्स नॉट इज एनिशियल डोज वी इज वॉल्यूम ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन के इज एब्जॉक्शन रेट कॉन्सटेंट इलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट एंड टा इज़ अ डोज इंटरवल इस चैप्टर के स्टार्ट में बोला था कि ये जो डोज इंटरवल टा है ये इस पूरे चैप्टर में शामिल है जिस इक्वेशन को देख लेंगे जहाँ पर भी कैलकुलेशन सीख रहे होंगे डोज इंटरवल हमारे पास जो है वो टा हमारे साथ चलेगा इसको मैं तीन चार तरह से मॉडिफाई कर सकता हूँ कैसे देखिए पहला एक्स नाट क्लियरेंस इन टू टा क्लियरेंस इज इक्वल टू हमारे पास जो क्लियरेंस है वो के वी डी क्लियरेंस इज इक्वल टू के वी डी एंड के वी डी इज एक्चुअली क्लियरेंस मैं इस सारे को सी पी नॉट राइट कर सकता हूं तो सी पी नॉट ओवर के एंड टू टा एक और फार्मूला से भी राइट किया जा सकता है AUC सी जीरो टू over ओवरटा बिकॉज सीपीएन ओवर के इज इक्वल टू ए यू सी तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसकी बेस पे हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं सी पी एस एस एवरेज को इसी को अगर हम और मॉडिफाई कर लें, तो ये चार बेसिक मैथड्स हैं जो सी पी एस एस एवरेज पर इफेक्ट कर रहे हैं अब यहाँ यह क्वेश्चन आ जाए क्योंकि जी हाउ मेनी फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन प्लाज्मा कंसल्ट्रेशन एट सी डी स्टेट एवरेज एवरेज सी डी स्टेट प्लाज्मा कंसल्ट्रेशन हमारे पास इसके आंसर लिखना बहुत सिंपल डोज ऑफ द ड्रग डायरेक्टली प्रपोर्शनल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनवर्सली प्रपोर्शनल इलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डोज इंटरवल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा इसमें एक और फार्मूला भी बना दीजिए एक्स नॉट टी हाफ वी इंटू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री इंटू टा मैंने के की जगह पे क्या राइट कर दिया पॉइंट सिक्स नाइन थ्री ओवर टी हाफ टी हाफ के डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है अभी से नॉमिनेटर में आ जाएगा तो ये बनेगा एक्स नॉट टी हाफ वी इंटू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री ओवर टा इट मीन्स जो सी पी एस एस एवरेज है वो हाफ लाइफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी पी एस एस डोज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवरेज क्लियरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डोज इंटरवल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसी फार्मूला को यहाँ एक और वे से भी सी पी नाट इंटू टी हाफ ओवर पॉइंट सिक्स नाइन थ्री इंटू टा ये सब फार्मूला सी पी एस एस एवरेज के हैं रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे इस पूरे चैप्टर का इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें ये पता ना हो कि किसी भी इंजेक्शन की हमने डोज़ को डिसाइड करना है कि उसका डोजिंग इंटरवल क्या होना चाहिए हमें जो चीज़ सपोर्ट कर सकती है वो सी पी एस एस एवरेज है सी पी एस एस एवरेज देखें यहाँ पर हमें कई सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास कॉन्सटेंट हैं डोज कॉन्स्टेंट हाफ लाइफ कॉन्स्टेंट रेट कॉन्स्टेंट डोज इंटरवल कैलकुलेट किया जा सकता है क्लियरेंस कॉन्स्टेंट डोज इंटरवल डोज इंटरवल इनिशियल प्लाज में कंसल्ट्रेशन इलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट और डोजिंग इंटरवल दैन ए यू सी हमारा स्टार्टअप टॉपिक जीरो ड इन्फिनिटी डिवाइड बाय डोज इंटरवल ए यू सी इज डायरेक्टली परपोर्शन विद सी पी एस एस एवरेज एंड डोज इंटरवल इज इनवर्सली परपोर्शन टू द सी पी एस एस एवरेज रिमेंबर

को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जितने फार्मूलाज हैं उन सब को हम यूज़ करते हुए हमारे पास जो मेन थीम है हम किसी भी ड्रग का मैर कर सकते हैं कि ड्रग जो है वो उसकी डोज़ कैसे डिसाइड की जाएगी ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहता है कि किस तरह से हमें ये अज्यूम करना हो कि अगर एक ऐसी ड्रग जिसकी डोज डोजिंग इंटरवल हमें नहीं मालूम और हम क्या इन कैलकुलेशन से हम डोजिंग इंटरवल को मालूम कर सकते हैं आंसर इज़ यस इसके लिए जो है वो हमारे पास कोई नाइन स्टेप्स हैं नाइन डिफरेंट स्टेप्स हैं मैं उनको वन बाय वन डिस्कस करता हूँ फिर हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं कि हमारे पास जो पहला स्टेप ये है कि हमें क्या करना होगा थेरापूटिक रेंज मेजर करना होगी एंड द इफ़ेक्टिवनेस कंसंट्रेशन ऑफ द रेंज ऑफ द ड्रग पहले हमें यह पता हो कि अगर एक ड्रग अगर अगर, अगर हमें किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए किसी इंजेक्शन की डोज को डिसाइड करना है तो हमें उस ड्रग की थेरापे्यटिक रेंज का आइडिया होना चाहिए रिमेंबर मैंने थेरापेटिक रेंज में आप लोगों को डिफाइन किया हुआ है कि थेरापेटिक रेंज इज ए बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द एम एंड एम तो अगर हमें दोनों का डिफरेंस पता है उस रेंज का पता है तो देन हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे सिलेक्ट द डिजायर्ड आर टारगेटेड एवरेज स्टेट प्लाज्मा कंसल्टेसन रिमेंबर सी पी एस एस रज्यूम कीजिए सी पी एस एस रज्यूम करना मीन्स सी पी एस एस शुड बी बिटवीन द थेरापटिक रेंज यानि हम ये या एज्यूम करें कि हमें कितनी रेंज चाहिए पहला काम ये करना है देखे मैंने आपको नाइन स्टेप्स बोलने हैं फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड द थेरापटिक रेंज हमें उस ड्रग का पता होना चाहिए कि इसकी थेरापिटिक रेंज क्या है दूसरा स्टेप हम एज्यूम करेंगे एक अजम्पन बनाएँगे कि इसकी स्टी स्टेट इतनी होनी चाहिए फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक ड्रग के बारे में मैंने उसकी डोजिंग इंटरवल को कैलकुलेट करना है और उसकी डोज को भी डिसाइड करना है तो मैं क्या करूँगा मैंने कहा जी इसकी एम और एम ये फॉर एग्ज़ाम्पल ट्वेंटी है और ये टू एटी है माइक्रोग्राम पर एम तो मैं कह रहा हूँ ट्वेंटी टू एटी माइक्रोग्राम पर एम जो है इसकी रेंज है थर्पिटिक रेंज तो मैं इसका एवरेज रखना चाह रहा हूँ 60 माइक्रोग्राम पर एम ये मैंने क्या ज्यूम किया स्टीडी स्टेट एवरेज जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ सिखा रहा हूँ स्टेडी स्टेट एवरेज मैंने फर्स्ट में अपने माइंड में इसको अज्यूम किया अब उस स्टेडी स्टेट को जैसे मैंने अज्यूम किया अब जैसे मेरे पास यहाँ पे 60 आ गया तो मुझे डोज एक्स वी इंटू एक्स नॉट या कोई भी एक फार्मूला जो हमारे पास पैरामीटर्स अवेलेबल हैं उसे यूज़ करते हुए मैं उसका डोज इंटरवल टाक को कैलकुलेट कर सकूँगा हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो सेकेंड टर्म क्या हुआ सिलेक्ट द डिज़ायर्ड आर टारगेटेड Average steady state plasma concentration. It is a common practice to choose the mean of the therapeutic range of the drug 80 plus 20, 100 divided by 2, 50. We can write 50 here. 50 microgram per ml is actually our target, which is step 2, okay. Average of the mean of the therapeutic range.

इक्वेशन को यूज कीजिए क्योंकि हमारे पास सीपीएसएस हम ला चुके हैं 50 डोज के मींस हाफ लाइफ ड्रग की वो भी नॉन है और वी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन तो यूज इक्वेशन सीपीएसएस वी के इंटू एक्स नॉट ओवर टी इस इक्वेशन को यूज करें सिलेक्ट द डोजिंग इंटरवल इट इज सेफ एंड गुड प्रैक्टिस

v इंटू के वी इंटू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री तो जो थर्ड टर्म है वो ये कह रहे हैं कि आप उसका डोज इंटरवल डिसाइड कीजिए और कोशिश कीजिए कि उतना डोज इंटरवल रखिए जितना उसकी हाफ लाइफ है मींस एन को वन रखिए जब आप एन को वन रखेंगे एन मल्टीप्लाई बाय पॉइंट सिक्स नाइन थ्री तो आपके पास ये फैक्टर और ये सी पी एस एस वाला फैक्टर ये दोनों सॉल्व हो गए ओके okay जी क्वेश्चन तो फोर्थ क्या हुआ हमारे पास पहला क्या है क्या मैय करें जी थेरापटिक रेंज दूसरा एज्यूम कीजिए सी पी एस एस एवरेज तीसरा इस फार्मूला को अप्लाई कीजिए चौथा हम डोज इंटरवल को एडजस्ट कीजिए और कोशिश करें कि डोज इंटरवल वो रखें जो कि हाफ लाइफ के इक्वल हो फिफ्थ यूजिंग द डोजिंग इंटरवल एंड रीअरेंजिंग द इक्वेशन स्टेप थ्री कैलकुलेट द डोज नीडी टू अटेन द डायरेक्ट एवरेज स्टेट एक्स नॉट कैलकुलेट कर लीजिए एक्स नॉट कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट सिक्स नाइन थ्री को मल्टीप्लाई करें मैं सारे को रेस करके मैं उस सारी बात पे एक सिंगल पे रहता हूं ताकि हमें समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि सी पी एस एस एवरेज इज इक्वल टू एक्स नॉट v इंटू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री ओवर टी हाफ़ इंटू डोज इंटरवल मैं इस फार्मूला को यूज़ करने जा रहा हूँ और इस फार्मूला के लिए मैंने क्या किया है जी डोज़ इंटरवल और टी हाफ़ को एक जैसा रखा इसको मैंने एन बोल दिया और मैं कह रहा हूँ कि सी से पी एस एस एवरेज मेरा फिफ्टी एक्स नाट मैंने फाइंड करना है वी इंटू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री इंटू वन फिफ्टी इंटू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री मल्टीप्लाई बाय वी इज इक्वल टू एक्स नॉट फिफ्टी कहां से आया मैंने एवरेज लिया था और पॉइंट सिक्स नाइन थ्री कहां से आया मैंने के की जगह पर पॉइंट सिक्स नाइन थ्री और टी हाफ राइट किया था ये वन कहां से आ गया वन मैंने कहा था कि ये दोनों का टी ओवर टी हाफ जो एन है वो वन के इक्वल है तो मैं फिफ्थ सिक्स पे, पे हूं कि जिसमें हमने क्या निकालने क्या क्या निकाल चुके हैं जी एक्स नाट हम निकाल सकते हैं सिंपल जो ड्रग का वी डी है उसे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए राउंड ऑफ द नंबर ऑफ द कैलकुलेटेड डोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आंसर इसका कितना आ जाता है जी और अगर फिर मैं से मज़्यूम मैं करता हूँ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मेरा है सेवनटी लीटर सेवनटी लीटर पर आवर तो सेवनटी लीटर देन मैं इस वॉल्यूम को अगर सेवनटी से मल्टीप्लाई कर दूँ इस सारे को तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगा यानी फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोल देता हूं सेवेंटी फिफ्टी इंटू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवनटी क्या आंसर आएगा फिफ्टी मल्टीप्लाई बायट सिक्स नाइन थ्री और वीडीज सेवेंटी टू फोर टू फाइव सॉरी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव इट्स माइक्रोग्राम इन मिलीग्राम इट्स 2.5, 2.5 मिलीग्राम, 2.42 पॉइंट मिलीग्राम पॉइंट फोर माइक्रो अब मैं क्या करूँगा मैं इसको नेक्स्ट राउंड ऑफ करूँ राउंड ऑफ करने के बाद फिर जो है वो हमारे पास जो है राउंड ऑफ करूँगा और राउंड ऑफ करने के बाद फिर मैं इसको जो है वो अपना यूज़ करूँ कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो नेक्स्ट उसको यूज़ कराऊँ तो हमारे पास जो पहला केस ये हुआ कि राउंड ऑफ द नंबर ऑफ़ द कैलकुलेटेड डोज़ एंड चूज़ द डोजिंग इंटरवल फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटेड डोज इज़ वन जीरो नाइन पॉइंट टू फाइव आर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी दैन वीव टू राउंड टू पॉइंट फोर टू वी राउंड ऑफ इट थ्री थ्री मिलीग्राम इट्स अ डोज मे बी टू maybe 2.5 it will depend on the nature you, know, you are no, number 7 using the round of rounded member numbers of the dose steady state concentration peak steady state concentration and trough steady state concentration make sure be performed by performing the calculation that the calcula calculated peak steady state concentration is calculated trough steady state concentration इफ़ नेसेसरी मेक स्मॉल एडजस्टमेंट अगर ज़रूरत है तो थोड़ी बहुत उसकी एडजस्टमेंट बना लीजिए तो टोटल नाइन पैरामीटर्स मैं इनको समराइज़ करता हूँ पहला काम क्या करें थेरापेटिक रेंज ले लें फिर क्या करें सी पी एस एस एवरेज एज्यूम कर लें फिर क्या करें उससे डोज एक फार्मूला है एक्स नॉट ओवर वी इन टू केट, केट, केट इसे यूज़ करें फिर डोजिंग इंटरवल एज्यूम करें कि हमने एक हाफ लाइफ के इक्वल रखा है आप जितना डोजिंग इंटरवल को जितने हाफ लाइफ के इक्वल रखना चाहेंगे वो डिपेंड करेगा कि आप स्टेट कितनी जल्दी अचीव करना चाह रहे हैं उसके बाद आप जो आपके पास आंसर आए उस आंसर को राउंड ऑफ कीजिए फिर इसको रिवर्स में इन फार्मूला इन जग, इनको अप्लाई कीजिए क्योंकि ये सी की वैल्यू आई है सी की वैल्यू अप्लाई करने के बाद आप इससे डोजिंग इंटरवल भी निकाल सकते हैं को रेट वी भी निकाल सकते हैं एक्स नाट भी निकाल सकते हैं तो ये सारी हमारा जो है वो इंटर चीज़ें हैं डोज इंटरवल को कैलकुलेट करना ओके okay, मैं समराइज़ करता हूँ आज की क्लास को इसमें हमने जो सीखा सी पी एस एस मैक्मम को कैलकुलेट करना पहले सी पी एस एस को कैलकुलेट करना फिर सी पी एस एस मैक्मम कैलकुलेट करना सी पी एस एस मिनिमम को कैलकुलेट करना सी पी एस एस एवरेज को कैलकुलेट करना और फिर सी पी एस एस एवरेज को यूज़ करते हुए डोज को कैलकुलेट करना और अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे शेयर कर सकते हैं इसके कमेंट्स में आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी और इसको आप इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस थैंक यू वेरी मच